एक ऐसी बीमारी जिसमें आपको लगता है कि बड़े सेलिब्रिटी आपसे प्यार करते हैं, लेकिन ये बीमारी है कौन सी और इस पाकिस्तानी न्यूज रिपोर्टर के बारे में जान के आप भी हंस पड़ेंगे। और गूगल ने कैसे बनाया एक ऐसा फीचर जो कि एक पेपर को फोन बना सकता है। और आज हम आपको एक ऐसे गैंगस्टर के बारे में भी बताएंगे जो फेसबुक और सोशल मीडिया के थ्रू क्राइम करता था। तो ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए बने रहना वीडियो के एकदम एंड तक। नंबर वन, आजकल स्मार्टफोन के बिना हमारा एक दिन भी नहीं निकलता है। मार्केट में रोजाना कई ऐसे नए नए स्मार्टफोन्स और फीचर्स आते हैं जो हमें उनकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। दोस्तों बिल्कुल वैसे ही हाल ही में गूगल ने एक ऐसा ऐप निकाला है जो कि पेपर को फोन में बदल देता है। हाँ, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा पर ये सच है। प्ले स्टोर पर जाके आप एक ऐप डाउनलोड कर सकते हो जिसका नाम है पेपर फोन ऐप। इस ऐप में काफी आसान इंटरफेस है और आप जो डेली लाइफ में यूज करते हैं जैसे कि कॉन्टेक्स्ट, शेड्यूल और कई और भी चीज जिसमें कुछ गेम्स भी शामिल है, उन सबको क्लिक करना है। फिर ये आपको आपका खुद का एक पेपर फोन प्रिंट करके देगा। इसे आप फोन की तरह यूज नहीं कर सकते पर ये ब्रेक के लिए काफी अच्छा है। आपको मंथ में या वीक में एक दिन पेपर यूज करना चाहिए। एक्सपर्ट मानते हैं कि इससे आपका टेंशन कम होगा, आप अपने परिवार वालों के साथ अच्छा टाइम बिता पाओगे और इससे आपका फोन एडिक्शन भी कम होगा। नंबर टू, दोस्तों एक ऐसा भी समय था जब इंसानों के शरीर और दिल को अलग अलग जगह पर दफनाया जाता था। अगर आप सोच रहे हैं ऐसा क्यों, तो दरअसल पहले के समय में जब लड़ाई होती रहती थी तो राजा और उनके सैनिक अलग अलग लैंड में लड़ने जाते थे और वहाँ मरने के बाद उन्हें वहीं नहीं गाड़ा जाता था क्योंकि इन जगह को शुद्ध नहीं माना जाता था और शरीर को वापस लेके आने तक शरीर सड़ जाएगा। इसीलिए उन्होंने ये तरीका सोचा जिससे कि राजा या वीर योद्धा के शरीर से सारी मांसपेशियां निकाली जाती थी और बस कंकाल ही लेके जाया जाता था। और ये प्रथा मजबूरी में शुरू हुई पर धीरे धीरे इस प्रथा ने दूसरा मोड़ ले लिया। धीरे धीरे करके ये एक प्रथा बन गई जिसमें रणभूमि में मरने के बाद राजा के दिल को वहाँ गाड़ा जाता था और शव को उनके घर की भूमि में। और कई बार तो राजा रानी ऐसा हुक्म भी देते थे कि उनके दिल को उनकी मन पसंद जगह पर गाड़ना है, पर समय के साथ ये सब परंपराएं खत्म हो गई। नंबर थ्री, इस दुनिया में कई ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी जान की परवाह किए बिना भी दूसरों की जान बचाते हैं। ऐसे ही आदमी है जेम्स हैरिसन। इनको एक बार 13 साल की उम्र में 12 लीटर जितना ब्लड चाहिए था ताकि वो अपना ऑपरेशन करवा सके और एंड मोमेंट पर उन्हें कुछ ब्लड डोनर मिल गए। उसके बाद उन्होंने प्लेस किया कि ये 18 के होने के बाद ब्लड डोनेट करेंगे और 18 होने पर जब ये पहली बार ब्लड डोनेट करने गए तब ये पता चला कि उनका ब्लड बहुत स्पेशल है। उनके प्लाज्मा में एक ऐसा एंटीबॉडी है जो कि रीसस नाम की बीमारी को ठीक कर सकता है। डॉक्टर्स मानते हैं कि ये एंटीबॉडी उनमें से एक के अंदर भी होगी जिन्होंने जेम्स को ब्लड दिया था। पर जब जेम्स को ये पता चला कि उनका ब्लड इतना स्पेशल है तो उन्होंने बहुत ज्यादा ब्लड डोनेट करना शुरू कर दिया। वो हर 2 महीने में ब्लड डोनेट करते रहते हैं। ये पिछले 6 decades यानी कि पिछले 60 साल से ब्लड डोनेट कर रहे हैं और अपने स्पेशल ब्लड की वजह से आज तक इन्होंने 2.4 मिलियन बच्चों की जान बचाई। इसीलिए इन्हें गोल्डन आर्म डोनर भी कहा जाता है। नंबर 4, दोस्तों आज तक आपने कई अजीबोगरीब बीमारियों का नाम तो सुना ही होगा पर आज हम आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताएंगे जिसे सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। इस बीमारी का नाम है एरोटोमानिया। इस बीमारी में लोगों को ये गलतफहमी होती है कि किसी बड़े फेमस लोगों को आपसे प्यार है। ये बहुत रेयर डिजीज है। आज तक दुनिया में 1% से भी कम लोगों को ये बीमारी हुई है। अगर किसी व्यक्ति को ये बीमारी होती है तो उसको ऐसा लगता है जैसे कोई फेमस औरत या आदमी उससे प्यार करता है, भले ही वो कभी एक दूसरे से मिले भी ना हो। फिर भी इस बीमारी वाले लोगों को ये पक्का हो जाता है कि वो आपके प्यार में है और इसीलिए फिर उसके बाद आप उन पॉपुलर लोगों का पीछा करने लगते हैं, उनको स्टॉक करते हैं। और ये एक साइकोलॉजिकल बीमारी है जिसके चलते कई लोग ये बीमारी होने के बाद पागलों की तरह बिहेव करते हैं और कई बार इस बीमारी से जूझ रहे लोग बड़े एक्टर और एक्ट्रेसेस पर भी हमला कर देते हैं। नंबर 5, न्यूज रिपोर्टिंग करना एक ऐसी जॉब है जिसमें आपको चीजों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अगर आपकी जनरल नॉलेज ज्यादा स्ट्रांग नहीं है तो आपका ऐसा ही मजाक उड़ सकता है जैसा इस क्लिप में एक पाकिस्तानी न्यूज रिपोर्टर का उड़ा। यहाँ कुछ गेस्ट आए जो कि फॉर्मूला 1 रेस कार को बनाते हैं। फॉर्मूला 1 रेसिंग कार होती है जिसमें एक जन ही बैठ सकता है। दोनों गेस्ट न्यूज रिपोर्टर को समझाने की कोशिश करते हैं कि फॉर्मूला 1 कार क्या होती है और ये समझ ही नहीं पाती। देखो इस वीडियो में कैसे इसने लाखों ऑडियंस के सामने अपना मजाक बनवा दिया। और बस यही नहीं, एंड में जाने से पहले ये एक सवाल पूछती है कि ये कार की स्पीड नॉर्मल पेट्रोल वाले कार जितनी है या नहीं। ये तो ऐसी बात हो गई कि रामायण पढ़ने के बाद पूछ रहे हो राम कौन है। नंबर 6, आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, पढ़ाई से लेके शॉपिंग तक, तो अब गुंडे क्यों पीछे रहे साहब। आज हम आपको बताएंगे दुर्लभ कश्यप के बारे में। ये एक ऐसा गैंगस्टर था जिसने फेसबुक
फेसबुक और सोशल मीडिया के थ्रू इतना क्राइम किया कि इसका नाम इंडिया के टॉप गैंगस्टर्स में शामिल हो गया। हालांकि बड़ा खतरा बनने से पहले इसे पकड़ लिया गया, पर इनकी कहानी काफी रोचक है। ये बस 16 साल की उम्र में एक क्रिमिनल बन गया। आमतौर पर जैसे क्रिमिनल शांति में अपना काम करते हैं, उससे अलग दुर्लभ कश्यप अपना काम खुलेआम करता था। इसने एक फेसबुक आईडी बनाई थी जिसके बायो में लिखा था कि ये एक गुंडा है और अगर कभी भी कोई विवाद होता है, कहीं भी झगड़ा होता है तो संपर्क करके बुला सकते हो। और शॉकिंग बात है कि लोग इससे संपर्क करते भी थे। कई लोग इसको फॉलो करने लगे और इसकी गैंग का हिस्सा बनने लगे। देखते ही देखते ऑनलाइन ही सही पर इसने अपनी सेना बना ली। इसमें से कई लोग तो बस 15-16 साल के थे। जब इसकी गैंग बन गई तब ये 19 साल का था और ये व्हाट्सएप और फेसबुक के थ्रू कई गलत काम करता था, जैसे कि नशे का व्यापार करना और कहीं लड़ाई झगड़े करवाना। और बच्चे इसे अपने हीरो की तरह देखते थे। ये जो बोलता था वो करते थे और बस 20 साल की उम्र में दुर्लभ कश्यामी गैंगस्टर बन गया। पर इसी चीज ने इसकी काफी छोटी उम्र में जान ले दुर्लभ कश्यप पर और उसके साथी पर हमला कर दिया था, जिसमें दुर्लभ कश्यप की जान चली गई। इसके बाद इसके अकाउंट सब बंद कर दिए गए और इनके सारे ग्रुप सबको बंद करने की कोशिश। जो बच्चे इसके चक्कर में फंस गए थे उन सब पर नजर रखी जा रही है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। ऐसे ही वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।